झुंझुनू जिले में पल्स पोलियो महाअभियान के तहत आज जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया और CMHO डॉक्टर छोटीलाल गुर्जर ने कच्ची बस्तियों में पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए 1372 बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही 24 टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए हैं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। ये 3 दिन का अभियान है हमारे जिले में। करीब 0 से 5 साल के हमारे 1,60,000 बच्चे हैं जिनको हम टारगेट करेंगे, और हमारी 1372 टीमें हैं जो सभी बच्चों को जो है पल्स पोलियो दवाई पिलाएगी 3 दिन में। आज हम जो है वो सभी बूथों पे दवाई पिलाएंगे, फिर 2 दिन हम घर घर जाके पिलाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो है पल्स ये पोलियो का जो है हम जड़ से उन्मूलन इसका कर सकें। वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी कंट्रोल्ड है। अभी कोई केस अपने देश में नहीं आया है, लेकिन एहतियातन पड़ोसी देशों में इस प्रकार के केस सामने एक आधे आ रहे हैं, तो इसलिए एहतियातन इस अभियान को जो है भारत सरकार और WHO कंटिन्यू कर। जिले में लगभग 1,60,000 बच्चे हैं, एग्जैक्टली 1,58,622 बच्चे हैं जिनको पोलियो पिलाया जाएगा। हमारे जिले के अंदर 1372 बूथ हमने इसके लिए बनाए हैं, और इसके लिए 24 ट्रांजिट कैंप हमने बनाए हैं, 64 वैक्सीन डिपो बनाए हैं, और साथ में इसके अलावा जो भी हाई रिस्क एरिया है जहाँ पे दुर्गामी क्षेत्र है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, चाहे वो ईंट भट्ठा हो चाहे वो माइनिंग का एरिया हो, जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। पोलियो बूथ अभियान की शुरुआत अठे करी गई है। 5.5 साल का जो भी बच्चा है वर्ण पोलियो पिला की शुरुआत करी गई है।